अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। तू समर के पास वापस जो तुम सोच रही हो ना वो अब नहीं हो सकता। मेरी शादी होगी तो शनाया से होगी, कम से कम बार बार ये मायके जाने की धमकी तो नहीं देगी। पर समर मैं भी नहीं दूंगी। तुम्हारे पे ना मुझे कोई भरोसा नहीं है। तुम और तुम्हारी मम्मा माँ कभी भी बदल सकती है। तुम्हारे ना सिर्फ पाँव होते ससुराल में, लेकिन नजरें हमेशा ना मायके पे टिकी रहती है। मायके पे तुम सिर्फ बोलती हो, ये सांस जैसी माँ होती है, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम होती है तो तब तो नहीं बात करती अपनी माँ जैसी सासु माँ से। आदमी शादी क्यों करता है? सियाप्पे के लिए? हालत देखो मेरी क्या हो गई है, स्किन की ग्लो चली गई, बाल भी नहीं कटवाए मैंने, शेव नहीं की एक हफ्ते से, ग्लो गई, ये देखो डार्क सर्कल्स भी आ गए। तो ये छोटे छोटे बच्चे जो मुझे समर भैया बुलाते थे कल तक, अब बोलते समर अंकल। अब मुझे अपनी लाइफ में कोई स्यापा नहीं चाहिए ना, उसे खाना पकाना आता है ना, रिश्ते निभाना आता है। क्या बोल रहे हो आप? क्या बोल रहे हो आप? आप क्यों बोल रहे हो उसे? मैं बोल सकता हूँ ना उसे? तू ही तो बोल रहा है ना ये सब। तो मैं बोल सकता हूँ ना, मैं बोल सकता हूँ, तो मेरी बीवी ना। तो क्या? तो माँ तो प्यार तो मैं उसी से करता हूँ ना। देख लीजिए, नाटक किए बिना ना ये रह ही नहीं सकता, इसकी आदत है नाटक करने की। मम्मा नहीं, आप समर के लिए कुछ नहीं बोलोगे, पति हैं वो मेरे, बहुत अच्छे पति। अरे जब दोनों एक दूसरे के बारे में गलत सुन ही नहीं सकते हो, अरे तो खड़े खड़े एक दूसरे को क्या देख रहे हो बच्चों? जाओ जा करके एक दूसरे से मिल लो। अरे जाओ। भगवान आज आप परीक्षा में पास हो गए, आपने मेरे दोनों बच्चों को मिला दिया। थैंक यू भगवान। शिव जी अब तो आप मुझे भस्म नहीं करोगे ना? जिसने अपने बुराइयों को खुद भस्म कर दिया हो, भोले शंकर उसे कभी भस्म नहीं करेंगे, कभी नहीं। शुरू करो। चलो चलो शुरू करो, चलो चलो। एक मिनट। क्यों? अब क्या हुआ? Whatever is happened ना, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। हालिया। But one thing is there. What? ये बताइए कि
मेरे पुत्र ध्रुव की भी एंगेजमेंट होगी ना? होगी, होगी ना? अगर ध्रुव और शनाय की सगाई नहीं होगी ना, तो मैं भी ये सगाई नहीं करूंगा। तुम्हारी भी सगाई होगी और हमारी भी सगाई होगी। तालियां। अरे चलो चलो रिंग रिंग सेरेमनी शुरू करो। दोनों मेंस की रिंग सेम सेम है। मेरी ड्यूटी, माय गॉर्जियस वाइफ, आई लव यू। मेरे क्यूट, मेरे हैंडसम, मेरे बुद्धू, मेरे पागल पति, आई लव यू। मेरी गुस्से वाली, मेरी रोने वाली, सबको रुलाने वाली, बार बार मायके जाने वाली, हंसने वाली, हंसाने वाली, ब्यूटीफुल वाइफ, आई लव यू। मेरे गुस्से वाले येट कूल, मेरे इंटेलिजेंट येट फूल, माय लाइफ, मेरी जान, मेरी पहचान, मेरे समय, आई लव यू। कर रहे हो? कि मैं तुमसे भी तो पूछ सकता हूँ ना कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? एंगेजमेंट रिंग? क्या? ये एंगेजमेंट रिंग हमने कब पहनी? एंगेजमेंट कल थी। करी पहनी होगी ना हमने। अरे बट किससे होनी थी, किसकी हुई? तुम्हारी शनाया के साथ और मेरी ध्रुव के साथ। अगर ऐसा होना था तो तुम और मैं साथ में क्या कर रहे हैं?
कुछ याद ही नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा। आंटी आंटी सुनो, आपको याद है कल यहाँ पे क्या हुआ था? बेटा कल मोहल्ले में किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि आरती के बाद क्या हुआ। जया, देखो सेम अंगूठिया। ये सब हो क्या रहा है? नानी जी आराम से। नानी जी आपको याद है ये कल क्या हुआ था? नहीं बेटा, मैं भी खुद ही याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं यहाँ ऐसे कैसे सोई थी। मतलब आपको तो कुछ याद नहीं है? नहीं बेटा। अब नानी जय एक काम करते हैं, सबको उठाते हैं। क्या पता किसी को कुछ पता हो, किसी को कुछ याद हो। हाँ तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक सेकंड, होल्ड ऑन। अपनी आपस की बातें बाद में करना, पहले मुझे बस ये बताओ कि किसी को कुछ याद है कल आरती के बाद क्या हुआ था? क्या हुआ था? किसी को कुछ याद आया? आरती के बाद सबको वो ग्लास दिया था ना, उसके बाद कुछ याद नहीं है। अरे कैसे याद आएगा यार? नानी 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 मम्मा कहाँ हैं? यहीं कहीं होगी बेटा। दीदी आपने मम्मा को देखा? नहीं जया, मैं कमरे में देखाती हूँ। अच्छा। अरे सारू भाई खड़े खड़े क्या सोच रहे हो, जाओ ऊपर लेकर आओ ना। देख के आता हूँ, देख के आता हूँ। किसी को 1% भी कुछ याद नहीं है? नहीं समर, मम्मा तो अपने रूम में नहीं है। समर, मम्मी जी ऊपर भी नहीं है। तो फिर गई कहाँ? जया मैं बाहर जाके ढूंढ कर आता हूँ। समझ आता हूँ मैं भी, जल्दी। दी दी मम्मा कहाँ है? जया आ जाएगी मम्मा, मुझे डर लग रहा है। डोंट वरी आंटी जी मिल जाएंगी, मैं उनका फोन ट्राई करता हूँ। मिश्रा जी आपने मेरी सासू माँ को देखा कहीं? नहीं बेटा, मैं दूसरों को क्या देखूं, मैं तो खुद डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूं। मेरे सर में तो बहुत तेज दर्द है। आलम चाचा, आपने मेरी सासू माँ को ये देखा क्या? नहीं देखा। नींबू पानी पियोगे? सबको पिला रहा हूं। नहीं थैंक्स।
अरे साड़ू भाई, क्या हो गया? अब इतनी शिद्दत से भी मत ढूंढ उनको, सच पे मिल जाएगी। और तेरा और जया का पता है ना फिर? ये मजाक नहीं है यार, मामला सीरियस है। और सबसे बड़ी टेंशन ये, कल क्या हुआ किसी को कुछ याद ही नहीं है। आज सुबह जया और मैं साथ में थे, और ध्रुव और शनाया साथ में, और सबने सगाई की अंगूठियां पहनी हुई है। पूरा ही पूरी ये बात ना उलझी हुई है यार, तो इसे लाइट नहीं मत ले। हाँ अग्री बाबा, अच्छा सॉरी बाबा, ठीक है ओके इट्स ओके। चल वहाँ मंदिर में चल के देखते हैं, क्या पता वहाँ पे सोई पड़ी मिले। चल चल चल। आंटी जी का फोन भी नहीं लग रहा। ध्रुव ध्रुव हम पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। काम डाउन जया, एक बार समर और पुनीत आ जाए उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है। मिल जाएगी आंटी जी। चला बेटा, ध्रुव सही कह रहा है, समर और पुनीत के लिए हम इंतजार कर लेते हैं बेटा। रमा बेटा, अब सब लोग घर जाइए, यहाँ ऐसे ही आप लोग परेशान होते रहोगे। माँ जी, हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? सत्या जी के साथ हमारा भी कोई रिश्ता है। फिलहाल रिश्ते बिगड़ चुके हैं, लेकिन इंसानियत का रिश्ता तो अभी बाकी है। माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। जया, समर और पुनीत कहाँ रह गए? पता नहीं दीदी। यार सासू में यहाँ भी नहीं है, किसने उन्हें देखा भी नहीं, तो गई कहाँ? एग्जैक्टली। अरे समझ, कल वो था ना जो वीडियो बना रहा था, उसने सब कुछ रिकॉर्ड किया होगा, तो उससे पूछ लेते हैं ना, शायद कुछ क्लू मिल जाए। गुड आइडिया यार। हाँ? वो सब रिकॉर्ड तो कर रहा था, उसका नाम राजेश है। राजेश मेरे पास नंबर है उसका। हाँ, फोन कर फोन कर। क्या हुआ? फोन कहाँ है मेरा? फोन भी नहीं है। अब तो फोन भी गायब और सासू में भी गायब। पुनीत, जया जया के पास उस फोटोग्राफर का नंबर होगा राजेश का। हाँ। पक्का होगा। चल घर चलते। चल जया, डोंट वरी, कुछ पता चला? नहीं अभी कुछ पता नहीं चला। मैं पुलिस को फोन कर रही हूँ। जय जय, एक मिनट। पुलिस को फोन करने से पहले तुम्हारे फोन में ना राजेश वीडियोग्राफर का नंबर होगा, उससे कॉल करके वीडियो के बारे में पूछो। कल महाशिवरात्रि पे उसने सारी की सारी वीडियो बनाई है, तो उसमें देख के पता चल जाएगा कि लास्ट सासू माँ कहाँ थी और एग्जैक्टली कल हुआ क्या था। यार दैट्स अ गुड आइडिया, जरा जल्दी कॉल करो उसे। ठीक है। हेलो, हाँ राजेश जी, वो मैं जया बोल रही हूँ। आपने कल हमारा इवेंट रिकॉर्ड किया था, आपके पास उसकी क्लिपिंग्स होंगी ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ तो राजेश जी, हमें वो वीडियो चाहिए, मिल सकता है? जी बिल्कुल मिल सकती है, आप मेरी शॉप पर आ जाइए और ले जाइए। जी जी ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या बोला? वो कह रहे हैं कि उनकी शॉप पे आके क्लिपिंग्स दे जाए। ओ ग्रेट, चलो चलते हैं। ध्रुव तू एक काम करना, तू यहाँ पे रुक के सबका ध्यान रखना, कुछ भी अर्जेंट हो तो मुझे कॉल करना। तुम जाओ, सब कुछ। मम्मी जी मिल जाए।